गाड़ी रोक रोक गाड़ी। आगे लगाओ गाड़ी, इसके आगे लगाओ गाड़ी, लगाओ आगे, देख के आगे, जी किसी को ठोक नहीं दे जी जी। भैंस निकलने के बाद इसके आगे आगे गाड़ी लगा दो, बिल्कुल बगल से निकाल के टक्कर देगा। ये देखिए दोस्तों, ये आगे जो हमारे बुलेरो जा रही है इसमें अवैध शराब भरी हुई है पूरी गाड़ी में, और ये गाड़ी को अंधाधुन तरीके से भगा रहा है। ओ आराम से। और ये इसको पता चल गया है, पुलिस पीछे लगी है, तो ये बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी को भगा रहा है। हमने आगे कॉल कर दिया है पुलिस को, आगे से भी हम इसको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कहीं ऐसी रास्ते की फिराक में है जिससे ये उतर के कच्चे रास्ते में जा सके। हम लोग इसके लगातार पीछे लगे हुए हैं और आगे से भी पुलिस आ रही है, हम इसको घेर के पकड़ लेंगे। और इस गाड़ी में पूरी दारू भरी हुई है, अवैध दारू है पूरी, ये काफ़ी दूरी पर है ये। हम इसका ज़्यादा क्लोज इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये किसी को टक्कर भी मार सकता है, कोई हादसा भी घटित कर सकता है, इसलिए हम दूर से इसको फॉलो कर रहे हैं। आगे से पुलिस जब इसको बैरिकेडिंग लगा के रोकेगी फिर हम इसको पकड़ के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अभी देखिए, इसने इस स्कूटी वाले को टक्कर मारी दी होती इसलिए हम इससे दूर चल रहे हैं। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये गाड़ी चला रहा है, किसी को भी कोई भी हादसा घटित कर सकता है। और आगे से भी पुलिस आ रही है, सेट पे कॉल कर दिया गया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे ये बहुत ही स्पीड में ये भगा रहा है गाड़ी को, और इसमें ऐसा पता चला है कि इसमें पूरी गाड़ी में शराब भरी हुई है और इसलिए ये इस गाड़ी को भगा रहा है, भागने की फिराक में है। और अब आगे मोड़ पे हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, आगे पुलिस आ गई होगी, बैरिकेडिंग हो गई होगी, तो हम इसको रोक लेंगे। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या है। जी देखिए दोस्तों, ये बुलेरो में पूरी अवैध शराब और असला भरकर जा रहा है और हम इसके पीछे लगे हुए हैं। ये बुलेरो बहुत तेजी से भगा रहा है ये, और इसमें हथियार भी हो सकते हैं। हमें सूचना मिली है कि इसमें दारू भरी हुई है और इसको भी डाउट हो गया है इसलिए ये गाड़ी को भगा रहा है, हम इसके पीछे लगे हुए हैं। ये देखिए आप कितनी स्पीड से, ये मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप कितनी स्पीड से भगा रहा है जी। ये देखिए और ये इस फिराक में है, ये आसपास इनके गांव है, ये किसी गांव में घुस जाए और गाड़ी छुपा दे। मैंने एक्स्ट्रा फोर्स भी बुला लिया है कॉल करके, सेट पे पॉइंट दिया है, अतिरिक्त बल भी आ जाएगा, आगे से भी हम इसको घेरने की कोशिश करेंगे। और साथ ही चूँकि ये बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है, हमें ये भी देखना है कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, किसी का एक्सीडेंट ना कर दे, इसलिए हम इससे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं जिससे ये हड़बड़ाहट में किसी में ठोक ना दे। और आगे से फोर्स जैसे ही आ जाएगा हम दोनों तरफ से इसको कवर करके और इसको पकड़ लेंगे फिर। और इस बीच हम इसको फॉलो कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने साथियों को, अपने एक्स्ट्रा बल को पॉइंट देते जा रहे हैं, लोकेशन भेजते जा रहे हैं, और जल्दी हम इसको पकड़ के आपको दिखाएंगे कि इस गाड़ी में क्या है। ऐसे केसों में कई बार ये लोग फायरिंग भी करते हैं परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और इसलिए इनसे पर्याप्त दूरी बना के रखी हुई है। इसको प्रॉपर ट्रैप करके हम पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि बुलेरो की स्पीड कितनी है, ये हमारी गाड़ी से बहुत तेज भाग रही है। अब यहाँ पर ये स्लो होगी, हम इसके आगे गाड़ी लगाने की रोकने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसके अब रोकने के लिए जा रहे हैं, बगल में ही आ गए हैं बिल्कुल, हम इससे आगे लगाएंगे। ओए गाड़ी रोक रोक गाड़ी। आगे लगाओ गाड़ी, इसके आगे लगाओ गाड़ी, लगाओ आगे, देख के आगे, जी किसी को ठोक नहीं दे जी जी। भैंस निकलने के बाद इसके आगे आगे गाड़ी लगा दो, बिल्कुल बगल से निकाल के। ओए रोक गाड़ी। ये आगे हम दोस्तों अब इसको रोकने वाले हैं, आगे फोर्स भी बुलवा लिया है और आगे जाके इसमें ले लो, आगे लो, वो टक्कर देगा। देखिए दोस्तों, आगे हमने पुलिस की चेकिंग लगवा दी थी और ये गाड़ी रुकवा ली है, गाड़ी को पकड़ लिया है, उसको हम थाने के अंदर ले जा रहे हैं।
ये देखो छकाछक भर गई, बीच में भी है ये देखिए, ये हम पीछा कर रहे थे गाड़ी पकड़ ली है। और इसमें ये देखिए, मैंने बताया था जैसा कि पूरी दारू भरी हुई है, बीच वाली सीट पे भी है। कितनी होगी इसमें? 25 पेटी होगी। ये पकड़ ली है गाड़ी हमने, ये थाने पे खड़ी हुई है गाड़ी, पकड़ के थाने ले आए हैं हम। नाम है गजेंद्र। पिताजी का नाम राजन सिंह। ये गाड़ी में क्या था? दारू।